रायपुर के शदाणी दरबार में बच्चों के लिए पिछले 15 सालों से ज्ञान वर्धक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हर साल गर्मियों की छुट्टी के समय इस शिविर का आयोजन होता है। इस साल ये शिविर 19 मई से 2 जून तक चलेगा। इसमें 7 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे शामिल हैं। शिविर का उद्देश्य बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान, आध्यात्म, योग और सनातनी परंपरा को अपनाना है। यहाँ हर दिन बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है ताकि बच्चों का पूर्ण रूप से विकास हो सके। हर दिन अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स बच्चों को क्लास दे रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स और को और निखारा जा सके। यहाँ पर बच्चों को शुद्ध श्लोक उच्चारण के साथ जीवन के मूल उद्देश्यों के बारे में भी बताया जा रहा है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, परिवारों का भविष्य है। अगर यह अभी से अनुशासित हो जाएंगे, अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, तो यह सिर्फ एक स्कूल की विद्या में पारंगत नहीं होंगे बल्कि समाज और राष्ट्र के भी काम आएंगे। तो ऐसा गुण हम इनमें भरने का प्रयास करते हैं। बच्चे आज ये समझने वाले हैं कि देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है और स्वहित कितना जरूरी है, राष्ट्र का हित कितना जरूरी है और राष्ट्र को सर्वोपरि क्यों रखना चाहिए और कैसे रखेंगे और उससे होगा क्या। ऐसी तमाम प्रकार की चर्चा आज बच्चों के साथ होगी और निश्चित तौर पर ऐसे सत्रों के आयोजन के बाद बच्चे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का और बेहतर तरीके से पालन कर पाएंगे। 15 दिन की ज्ञानवर्धक शिविर लगती है जहाँ हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ड्राइंग, क्राफ्ट और मेकअप, और यहाँ पर ज्ञानवर्धक चीज़ें, एकदम संस्कारी चीज़ें, मतलब जैसे शास्त्र के बारे में, हमारे कर्तव्य, हमारा दायित्व, हम सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस